सोलन के कुनिहार में आयोजित 49वें राज्य स्तरीय पूर्ण राज्योत्सव दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। इससे पहले मुख्यमंत्री का सोलन के कुनिहार पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। इस अवसर पर सबसे पहले मुख्यमंत्री द्वारा बेटी बचाओ योजना के तहत कन्याओं को सम्मानित कर पौधारोपण किया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने ध्वजारोपण कर परेड का निरीक्षण करके मार्च पास्ट की सलामी ली। इस मौके पर विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनियां भी निकाली गई। कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इस कार्यक्रम के अंत में जयराम ठाकुर द्वारा पुलिस में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों व अधिकारियों को सम्मानित किया गया। वहीं परशुराम पुरस्कार से 15 खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अर्की के कुनिहार को कई सौगातें भी दी। वहीं कर्मचारियों के हाथ निराशा लगी, कर्मचारियों के लिए कोई घोषणा नहीं की गई। ये सिद्ध किया है कि प्रदेश सरकार का साथ मिलने पर कैसे पुष्प उत्पादन आर्थिक क्रांति ला सकता है। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। सबसे तेजी से बढ़ता शहर और जिला है, एक ऐसा जिला महिला बटालियन